संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा लहराने जा रहा है। ठीक आधे घंटे के बाद उपराष्ट्रपति और ऊपरी सदन के नेता राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री और कई दिग्गज नेता और मंत्रियों की मौजूदगी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे CWC की बैठक के कारण हैदराबाद में रहेंगे, वो राजधानी दिल्ली में मौजूद नहीं है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है, यानी कि कल से। गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार को संसद की कार्यवाही नई संसद की इमारत में शिफ्ट होनी है। विशेष सत्र के बाकी के चार दिन के कामकाज भी यहीं पर होंगे, उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में 5 एजेंडे पर चर्चा होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ सरप्राइज भी आ सकता है मोदी सरकार की ओर से। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, बस थोड़ी देर का और इंतजार, सभी को बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि तिरंगा कब लहराएगा नई संसद पर, और आखिरकार आज वो दिन आ गया। किस तरह की तैयारी है वहां पर? और उसके साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर जो जानकारी ये भी है कि जो पुराना जो सत्र चल रहा है पुरानी संसद भवन में, उसे ठीक इस नई इमारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अभी जो विशेष सत्र 4 दिनों का है, उसके बाद जो है आगे से तमाम सत्र जो है वो यहीं पर होंगे। तो हाँ, तिरंगा लहराने की तैयारी है सर, जो समय है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के प्रमुख भी हैं, चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको देखिए, कई सारी चीजें हमने जब देखा, जब इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तब ये विवाद उठा कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी होगी। हाँ, ये बात है कि चूंकि नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिख करके जो पीसी मोदी है उनको ये कहा कि आपने मुझे चिट्ठी जो भेजी हो बहुत शाम को मिली है, 15 तारीख को मेरी व्यस्तता हैदराबाद में पार्टी के कार्यक्रम में होगी, और इतने तय कम समय में जो जानकारी मिली है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो हाँ, विपक्ष जरूर इस पर हमलावर है, लेकिन जैसे ही ध्वजारोहण यहाँ पर होता है गजद्वार, हम जहां पर है ये एकदम प्रमुख हिस्सा रेल भवन के पास का, इसके ठीक दूसरी तरफ गजद्वार है जहां से आप प्रवेश होगा। और आखिरी मौके पर देखिए, चूंकि संसद भवन में आना, हमें बहुत सारे सफाई कर्मचारी यहां पर दिख रहे हैं, साथ सज्जा का काम हो रहा है, सुरक्षा का घेरा अपनी जगह पर पूरी तरह से तैनात है, और इस पूरे इलाके को फूलों से अंदर हम देख रहे हैं, सजावट का काम चल रहा है। तो जाहिर है नई संसद भवन है, लोकतंत्र की पहचान है संसद भवन, और खासकर जब गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां शुरू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं सत्ता विपक्ष मिल करके जिन उम्मीदों से वो संसद भेजे गए हैं, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। बिल्कुल, और हम बता भी रहे हैं कि नई संसद में क्या क्या खास है। वैसे तो उद्घाटन के मौके पर भी हम लोगों ने बड़ी कवरेज की थी, अपने दर्शकों को बताया था कि आखिर वो कौन कौन सी खासियत है जो इस संसद भवन के भीतर है, लेकिन यकीनन आधुनिक आजाद भारत की ये जो इमारत है वो हिंदुस्तान की नई कहानी लिखने के लिए बेताब है। यही कारण देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आशुतोष बड़ा दिलचस्प है, एक की थीम मोर पर है तो दूसरी की कमल के फूल पर है। राज्यसभा और लोकसभा की ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, सभी को इस बात की बेसब्री है, बेताबी है कि जब सदन के भीतर तमाम सांसद पहुंचेंगे तो उनके लिए बहुत अलग अनुभव होने वाला है, क्योंकि वहां पर डिजिटल माध्यम से अपनी बात कहने की ज्यादा व्यवस्था की गई है, आधुनिक तौर तरीके होंगे, और बिल्कुल नए हिंदुस्तान की नई कहानी कहेगा ये संसद भवन। अगर आपको याद हो चित्रा, तो सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पेपरलेस प्रणाली को आपको आगे बढ़ना है, तो अगर अलग अलग दफ्तरों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम वहां उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या संसद भवन में जहां पर सबसे ज्यादा कागजी कार्यवाही है और हजारों लाखों की संख्या में कागज जो है उसको आप वेस्टेज ही समझिए, और अगर उसको पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम देश की संसद शुरू करती है कि हम यहां सब कुछ डिजिटली करेंगे, तो डिजिटल को बढ़ावा मिलता है और साथ ही पेपरलेस प्रणाली होती है। लेकिन हाँ, कला संस्कृति परंपरा हिंदुस्तान की पहचान, उनके तमाम प्रतीक, वो तमाम संकेत अगर इस संसद भवन में हैं, तो हाँ वो लोगों को देखने को मिलेंगे, उन विजिटर्स को भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसा आपने कहा कि मोर के साथ साथ कमल के प्रतीकों का चिन्ह भी इसमें है, तो राष्ट्रीय फूल तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर उसको लेकर के जैसे G20 के लोगों पर विवाद हुआ, विपक्ष एक बार वो भी सवाल खड़ा करेगा कि आपने संसद भवन में पहले से ही पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा दिया है। लेकिन हाँ, ठीक है, लोकतंत्र में इस तरह से कहते हैं ना, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार जवाब देगी, लेकिन हाँ, इन सब के बीच जब संसद भवन शुरू होगा, शायद वो तमाम तस्वीरें फिर बाकी दुनिया और बेहतर तरीके से देखे कि नई संसद भवन में भारत की वो कौन सी छाप है जो भारत की सभ्यता, भारत के लोकतंत्र को यहां पर दिखाती है।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चूंकि देर से न्योता मिला जैसा कि उनकी ओर से कहा गया, इस वजह से वो हैदराबाद में अपने अलग कार्यक्रम में है, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके पहले भी हम सब ने देखा था आशुतोष कि किस तरह से कई विपक्षी दलों की ओर से जब उद्घाटन समारोह था उस समय बैकआउट करना था, लेकिन अब चूंकि शुरुआत यहीं से होगी, नई संसद भवन में आगे के कामकाज होंगे, जो 5 दिनों का सत्र होना है, सब लोग एक्साइटेड होंगे जो उद्घाटन समारोह पर नहीं आए थे कि आखिर अंदर से संसद भवन कैसे बना है और जिस तरह की तस्वीरें दिखी हैं क्या वैसे ही है या फिर नहीं है, सबके मन में ये तो होगा ही। दरअसल उत्सुकता दो है चित्रा, एक तो ये विशेष सत्र बुलाया गया है और जिस तरह की बातें लिखी गई हैं 70 साल के भारत में, सबको पता है कि ये सरकार जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरप्राइज देती है, वो सरप्राइज हो सकता है कि दूसरे पक्ष के लिए शॉक में भी बदल जाए, तो ये होता रहा और शायद संभवतः इस बार भी उसकी उम्मीद ऐसा कुछ की जा सकती है कि अचानक सरकार कुछ बड़ा लेकर के आ जाए। लेकिन हाँ, जब नए संसद भवन में जाएंगे, विपक्ष की तैयारियां पूरी हैं, आज शाम को ऑल पार्टी मीटिंग भी है क्योंकि जब नया सत्र शुरू होना है तो ये मांग लगातार विपक्ष कर रहा था कि आपने ऑल पार्टी पूरा विशेष सत्र बुला लिया, एजेंडा सामने नहीं रखा है, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है, तो सरकार ने इसीलिए उससे ठीक पूर्व संध्या पर बैठक भी बुला ली कि आए सब लोग अपनी बात करें, सरकार उनके सामने अपनी बात रखेगी, वो भी चाहते हैं कि सदन में हंगामा ना हो। लेकिन जहां तक विपक्षी सांसदों की बात है, अभी तक लगभग सब इस मुद्दे पर अडिग हैं कि अगर सरकार ने सत्र बुलाया है उनके एजेंडे को देखेंगे, लेकिन उनके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मसला जो विपक्ष उठाना चाहता वो है मणिपुर के हालात को लेकर के, दूसरा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, और इन सब मुद्दों को लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और ये उसकी कोशिश है लगातार। आप जो CWC में देख रहे हैं वहां बैठक चल रही है, वहां भी रणनीति बन रही है, तमाम जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद दिल्ली अलग पार्टियों के पहुंचे हैं उनकी बैठकें भी हो रही है, आपस में बातचीत तो हो रही है, और जब से ये इंडिया ब्लॉक बना है उनके अंदर एक सिनर्जी है खासकर मुद्दों को लेकर कि कब कौन सा मुद्दा उठाना है, और वो तैयारियां विपक्ष फिलहाल कर रहा है। और ज्यादा वक्त बाकी नहीं है लोकसभा चुनाव में, तकरीबन 170 दिनों का वक्त बाकी है, ऐसे में सभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन वो ताकत संसद भवन के भीतर भी शब्दों के जरिए मुद्दों पर दिखाई दे, इसकी उम्मीद पूरा देश पूरा राष्ट्र कर रहा है। मैं चाहूंगी चूंकि आप बाहर ही मौजूद हैं, जरा दोनों संसद भवन दिखाएं, क्योंकि कल जब शुरुआत होगी इन 5 दिनों के विशेष सत्र की तो पुरानी संसद में होगी, लेकिन उसके बाद गणेश चतुर्थी को शिफ्ट कर लिया जाएगा नई संसद भवन में। और दिलचस्प ये भी है कि गुलाबी शर्ट और अलग तरह की जैकेट के साथ ही साथ जो शर्ट है उस पर कमल के फूल वाली छाप भी दिखाई देने वाली है उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जिसके लिए हाल ही में हम सब ने देखा था एक अलग तरह का विवाद भी खड़ा हुआ था आशुतोष, कपड़ों को लेकर भी। ये देखिए, सरकार जब भी कई बार खासकर नए रूप रंग वाली जब बात होती है तो विपक्ष सवाल खड़ा करता है, लेकिन हाँ मौसम बदल रहा है, बरसात हो रही है दिल्ली में, और इस बदलाव में, मौसम के बदलाव के बीच में राजनीतिक तापमान है वो बढ़ेगा, और इस उद्घाटन के बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा, ये जितना पूरा इलाका दरअसल मैं देख पा रहा हूँ चित्रा, अंदर कुछ बहुत कर्मचारी क्योंकि कार्यक्रम का समय लगभग हो चुका है, और ये आखिरी सजावट जो कहते हैं टचअप है, फिनिशिंग का काम, वो लगभग अब तो पूरा हो चुका है, तो थोड़ी बहुत साफ सफाई जो रह गई वो हो रही है, और उसके बाद जैसे ही, चूंकि इसके दूसरे हिस्से पर उस तरफ अभी जाने की अनुमति नहीं है, उस तीसरे हिस्से पर से ही वहां से उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर गुजरेगा, और आखिर गणेश चतुर्थी से बड़ा उससे बेहतर पवित्र दिन हम गणेश को जो है कुछ भी कहते ही है, कोई नया काम करना ही वो श्री गणेश है, तो ऐसे में गणेश चतुर्थी से बेहतर दिन क्या हो सकता है कि देश की नई संसद का शुभारंभ हो, तमाम सारे लोग यहां पर आए। हालांकि अब जब लोग आएंगे यहां से क्या प्रधानमंत्री किसी तरह का संबोधन देंगे, हालांकि आज एक और कार्यक्रम में भी उनको जाना है, द्वारका में जो सेंटर बन रहा है उसका भी उद्घाटन है, लेकिन इन सब के बीच इस संसद भवन में बैठने से पहले, यहां की शुरुआत होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सरकार अपनी कौन सी बात रखती है, विपक्ष का सरकार के समर्थन के लिए तैयार है या फिर वो अपने मुद्दे पर अड़ा रहेगा, इसलिए उन सब पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी होना है देश की लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाने से लेकर के सरकार को घेरने से लेकर के सरकार के जवाब और पलटवार से लेकर के, वो सब कुछ अब मेरे ठीक पीछे देश की इस नई संसद भवन में होगा।